और माइलेज जैसा कि आप लोगों ने देखा R15 में, एक स्पोर्टी बाइक में मैंने सोचा नहीं था इतना माइलेज देगा, वो भी आधा लीटर फ्यूल में। तो इस बाइक पर करेंगे आज माइलेज टेस्ट, और मैंने फ्यूल सारा निकल लिया है तो गाड़ी अभी स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो बाइक हो चुका है रेडी, अभी मैं इसका फ्यूल पूरा निकालूंगा। अब लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी पूरा स्टार्ट नहीं है, मैं टीप मीटर भी जीरो कर दूंगा दोनों बड़ी। तो अभी करेंगे हाफ लीटर टेन में कितना जाता है गाड़ी देखते हैं, उसके बाद एक अंदाज़ा निकल जाएगा कि गाड़ी कितना जाएगा हाफ लीटर टेन। थोड़ा सा बर्बाद होगा, मैंने अभी करते हैं बाइक को स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। भगवान हो जा यार, काहे को प्रॉब्लम कर रहा है भाई। हो गया हो गया हो गया, हो गया। मतलब धुआं ना छोड़े बस वही। ये नासिक ना चलिए, अभी 20 मीटर तो है जीरो, अभी दोस्त को लेते हैं और देखते हैं क्या आधा लीटर तेल में कितना गौर पाता है, और मेरे को नहीं लग रहा ज़्यादा जा पाएगा। मतलब कैसा लग रहा है कि गाड़ी में फ्यूल व्यूल वगैरह कुछ नहीं है, अभी दोस्त को लेंगे उसके बाद जाएंगे, और नॉर्मली चलाने वाला हूँ, ज़्यादा स्पीड वगैरह नहीं देने वाला हूँ। जो प्रॉपर माइलेज देख लेगा वही आप लोगों को बताऊँगा। और टिप डेट में अभी 0.1 हो चुका है, और आप लोगों को क्या लगता है कि कितना जा पाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, अभी जाके पोस्ट करो, सब्सक्राइब करो और जाके कमेंट में बताना। तो नॉर्मली चलाऊंगा, ज़्यादा पेस नहीं दूंगा क्योंकि वो भी थोड़ा डरता है, और उसके बाद माइलेज तो भाई प्रॉपरली अगर तुम एकदम कंट्रोल स्पीड में चलाओगे तभी तुमको माइलेज दे पाएगा, नहीं तो कभी माइलेज तुम्हारा प्रॉपर नहीं जाएगा। जाना है कि प्रॉपर माइलेज R15 में, 3 साल का R15 कितना प्रॉपर माइलेज दे पाता है, लो भाई वाट लग गई यहाँ पर तो भाई काफ़ी जगह। तो अभी हो चुका है टीप मीटर में 0.7, उसके बाद देखते हैं कितना जा पाता है। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं दूंगा, पूरा प्रॉपरली चलाऊंगा, देखते हैं कितना ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो शिवा मेरे साथ फर्स्ट टाइम जा रहा है राइड पे, मतलब छोटा सा राइड कह सकते हो, और जा रहा है तो उसको एक्सपीरियंस तो है बाइक का कम है, मतलब मेरे साथ स्कूटी था तब उस टाइम में उसके साथ ज़्यादा था। सो उसके बाद हो जाता है मेरे किस्मत के साथ मेरा माइक भी ख़राब, और साउंड बिल्कुल भी नहीं आता, और मेरा माइंड पूरा ख़राब हो चुका है। कॉज मैंने इतने सारे बातें किया था, इतना कुछ किया था, और काफ़ी टाइमों के बाद में, और पूरा माइक सेट करके आया था, चेक भी किया था, फिर भी क्या प्रॉब्लम आ गया था। तो उसके बाद तो क्या ही बोलूँ, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी के साथ किलोमीटर भी बढ़ रहा है। अच्छा ही कहता हूँ कि एक राइडर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका माइलेज, क्योंकि आप जितना स्पीड में चलाओगे उतना ही आपका माइलेज कम होगा, क्योंकि आप अगर एक प्रॉपरली अगर सेट करते हो कि 80 या 70 किलोमीटर की स्पीड पे जाना है, वो भी छठे गियर में, तभी तुम लोगों का माइलेज प्रॉपरली आएगा, वरना प्रॉपर माइलेज तुमको कभी भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी रोड होता है या जाम वगैरह होता है, वहाँ पे हम लोग ब्रेक क्लच वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के कारण हम लोगों का जो माइलेज वो गिर जाता है, तो प्रॉपर माइलेज हम लोगों को वहीं पे मतलब नहीं मिलता प्रॉपरली। तो आप लोगों को चाहिए भाई प्रॉपर माइलेज के लिए एक, और आप लोगों को माइलेज निकालने के लिए अच्छा एक हाईवे चाहिए जिसमें आप लोग
आराम से अच्छा माइलेज निकाल सकोगे। और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि बाइक का जो मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है काफ़ी अच्छा दे रहा है, क्योंकि भाई बाइक शेक नहीं कर रहा है, स्टेबल रह रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने फ्यूल मैंने निकाला है बाइक से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, एकदम स्मूथ चला है। वही मैं ऑफ कर रहा हूँ बाइक का, तभी जाके बाइक का थोड़ा स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है, वरना बाइक जब भी चलता है पूरा स्मूथ चलता है और मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा, काफ़ी आराम से जा पा रहा हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा हाथ दुखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाथ में थोड़ा पेन है मेरा, मैं काफ़ी टाइम पहले गिर गया था, क्रिकेट खेलते के टाइम में मैं गिर गया था, तो इसलिए मेरे को पेन हो रहा है। क्योंकि मुझे पता था R15 माइलेज तो देगा, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि अगर 20 किलोमीटर जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा जाता है बाइक तब तो मेरा डेफिनेटली हाथ दुखना शुरू हो जाएगा। भाई साहब कुछ सिनेमेटिक शॉट दिया था, आप लोग बोरिंग ना हो, मेरे बॉयस थे मतलब ड्राइविंग कर रहा हूँ तो आप लोग शायद बोरिंग भी हो सकते हो, तो आप लोग थोड़ा सिनेमेटिक शॉट का मज़ा लो, और ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कितना माइलेज जाता है। Afraid to leave this out. We got this far, don't know how. चुका है हमारा कितना किलोमीटर, प्रॉबली 27 किलोमीटर और भी जाएगा, 30 किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि मैंने 30 किलोमीटर तो नहीं पर 28 किलोमीटर प्रॉपरली जाएगा, तो मैंने गाड़ी झटका मारना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने गाड़ी ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना। हालत पूरा बुरा हो चुका है मेरा, हालत देख सकते हैं मेरा। तो अभी करते हैं इसको फिल अप और घर की तरफ निकले, सॉरी घर के तरफ जाते हैं, मेरे को थोड़ा फ़ोटो भी खिंचाना है अपने थंबनेल के लिए, तो देखना कितना मेहनत किया मैंने गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा लाइक करके चले जाओ, और भी बातें हैं जो मैं बोल पाऊँगा बाद में, और हेलमेट लगाने के बाद बोलूँगा, तो वीडियो को करते हैं। सो बैग में पूरा तेल भर के लाया था मैं, 2 लीटर का तेल पहले भर लेता हूँ, उसके बाद करेंगे इसको फ्यूल अप, कर लेते हैं फ्यूल अप थोड़ा सा पेट्रोल। मैंने एक्चुअली प्लास्टिक लाया क्योंकि पेट्रोल उड़ के चला जाता है, तो गरीब इंसान भाई क्या ही कर सकता है। और देखो जुगाड़ गाइस, मिलेगा सो मिले होना कितना अच्छा बात है, कुछ नहीं इसमें फ्यूल ही नहीं भाई, माँ का संग गाड़ी कुछ होता है तो भाई पापा से बहुत डांट पड़ेगा मेरे को। सो अभी 27 किलोमीटर आप लोग पूरा देख सकते हो, पोपाली हो चुका था, लेकिन मैंने थोड़ा रोक दिया क्योंकि 1 किलोमीटर इजीली जा सकता था, मैंने बाइक को थोड़ा मतलब बाइक के इंजन के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने 27 किलोमीटर पे ही मैंने बंद कर दिया, और आधा माइलेज टेस्ट भी हो गया हम लोग का, और अभी आए थोड़ा वादियाँ देख के जाएंगे हम लोग, चेक इट गाइस कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा भी हालत ख़राब है, शिवा का भी हालत पूरा ख़राब हो चुका है इतना गर्मी में, और अभी तो थोड़ा है थोड़ा बाद। और माइलेज से जैसा कि आप लोगों ने देखा R15 में, एक स्पोर्टी बाइक में, मैंने सोचा नहीं था इतना माइलेज देगा, वो भी आधा लीटर फ्यूल में, सो काफ़ी अच्छा माइलेज दिया। अभी वीडियो को करेंगे एंड, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।